नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रामबाण प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इन 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आपको अपनी तैयारी का पता नहीं लग पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आप चाहे जितने भी पढ़ाई कर लीजिएगा, बिना प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप कोई भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकती, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कम से कम 30 प्रश्न तो आपको करना ही होगा। इससे अगर आप कम कर पाते हैं तो आपकी तैयारी ठीक नहीं चल रही, अभी आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर देना जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं जीके जीएस के 279 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अभी तक आपने वो नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है भारत का नेपोलियन, ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भोपाल में गैस त्रासदी दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुआ। तो कौन सी गैस के रिसाव कारण हुआ था भोपाल में गैस त्रासदी दुर्घटना? तो ये हुआ था मेथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सक संबत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन होता है। तो कौन होता है सक संबत का अंतिम महीना, ये आपको बताना है। तो ये होता है फाल्गुन, यानी फागुन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत राज्यों का संघ होगा या तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो कौन से अनुच्छेद में लिखा है, ये आपको बताने कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो ये लिखा है अनुच्छेद एक में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में दाल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है दाल में सबसे अधिक मात्रा में? तो ये पाया जाता है प्रोटीन दाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो कौन सी नदी पर स्थित है राणा प्रताप सागर बांध? तो ये है चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो कौन से शासक ने करवाया था विजय स्तंभ का निर्माण? तो ये निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ पर है उत्तराखंड की राजधानी, ये आपको बताना है। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। कहाँ है? देहरादून है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय? तो ये है नैनीताल में। कहाँ है? नैनीताल में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बद्रीनाथ धाम किस नदी पर स्थित है। तो कौन सी नदी पर है बद्रीनाथ धाम, ये आपको बताना है। तो ये है अलकनंदा नदी पर बद्रीनाथ धाम स्थित। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पर स्थित है?
तो कहाँ पर स्थित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, तो ये है देहरादून में। कहाँ पर है, देहरादून में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो कौन से राज्य में है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, तो ये है उत्तराखंड राज्य में। किस में, उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो किस शासक के द्वारा करवाया गया था सांची के स्तूप का निर्माण, तो ये करवाया गया था अशोक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जल संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाई जाती है, तो कब मनाया जाता है जल संरक्षण दिवस, तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 19 नवंबर को जल संरक्षण दिवस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वर्णांध व्यक्ति को किस रंग में फर्क करने की क्षमता नहीं होती है, तो कौन से रंग के फर्क करने की क्षमता नहीं होती है वर्णांध व्यक्ति में, तो ये लाल एवं हरा रंग की नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी देश हैं, तो कितने स्थायी देश हैं संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में, ये आपको बताना है, तो इसमें टोटल 5 हैं, कितने 5 हैं स्थायी सदस्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकलता है, तो कहाँ से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये निकलता है अग्नाशय रस से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेनालीराम किस शासक के दरबारी कवि थे, तो किसके दरबारी कवि थे तेनालीराम, ये आपको बताना है, तो ये थे कृष्णदेव राय के दरबारी कवि तेनालीराम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, तो कौन से राज्य में है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा करवाया गया था, तो कौन से वंश के शासक ने करवाया था एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, तो ये करवाया था राष्ट्रकूट वंश ने, किसने राष्ट्रकूट वंश ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पौधों में जल का संवहन कौन करता है, तो कौन करता है पौधों में जल का संवहन, ये आपको बताना है, तो ये करता है जाइलम, कौन जाइलम करता है, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस खाद्य पदार्थ में मिलते हैं, तो कौन से खाद्य पदार्थ में विटामिन ए सबसे ज़्यादा मिलते हैं, ये आपको बताना है, तो वो पदार्थ है गाजर, कौन गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए मिलता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो कौन से राज्य में है लोनार झील, तो लोनार झील है महाराष्ट्र राज्य में, किस में महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये है रुड़की में, कहाँ पर है रुड़की में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल लक्षण किस हार्मोन के कारण दिखाई देता है, तो कौन से हार्मोन के कारण दिखाई देता है महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल लक्षण, तो ये देता है एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि चक्रवात की उत्पत्ति का मुख्य कारण है, तो कौन सा है चक्रवात की उत्पत्ति का मुख्य कारण, ये आपको बताना है, तो इसका मुख्य कारण है निम्न दाब, कौन सा है निम्न दाब है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो किसने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ये आपको बताना है, तो ये की थी धर्मपाल ने, किसने धर्मपाल ने की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि यक्षगान नृत्य भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो कौन से राज्य में प्रसिद्ध है यक्षगान नृत्य, ये आपको बताना है। तो ये है कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सूरी नाम का पुराना नाम क्या है। तो क्या है सूरी नाम का पुराना नाम, ये आपको बताना है। तो इसका पुराना नाम है डच गुयाना, क्या डच गुयाना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस फसल को हरित सोना के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है हरित सोना के नाम से, ये आपको बताना है। तो चाय को, किसे चाय को हरित सोना के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि फांसीवाद के सबसे बड़ा समर्थक कौन था। तो कौन था फांसीवाद का सबसे बड़ा समर्थक, तो ये था मुसोलिनी, क्या मुसोलिनी था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाजीवाद का सबसे बड़ा समर्थक कौन था, तो कौन था नाजीवाद का सबसे बड़ा समर्थक, ये आपको बताना है। तो हिटलर था, कौन हिटलर था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिकन पॉक्स किसके कारण से होती है, तो किसके कारण से होती है चिकन पॉक्स, ये आपको बताना है। तो ये विषाणु के कारण, किसके विषाणु के कारण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बारदोली सत्याग्रह का समर्थन किसने किया था। तो किसने किया था बारदोली सत्याग्रह का समर्थन, ये आपको बताना है। तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, किसने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी। तो किसको प्राथमिकता दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में, तो ये दी गई थी कृषि को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है। तो कौन से नाम से जाना जाता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को, तो इसे जाना जाता है मेघना के नाम से, किससे मेघना के नाम से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के इस पिट्टा सेट का कि भारत का प्रथम जीव मंडल आरक्षित कौन है। तो कौन सा है भारत का प्रथम जीव मंडल आरक्षित, तो ये है नीलगिरी, कौन सा है नीलगिरी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए आपको ये 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।